हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ वाव वन ब्रांड फेशियल क्लीनअप शेयर करने वाली हूँ। इस फेशियल क्लीनअप की हेल्प से आप अपने फेस के जितने भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, अनइवन फेशियल हेयर हैं, उन सभी को रिमूव कर पाओगे और आपको एक अच्छी खासी क्रिस्टल क्लियर स्किन मिलेगी। आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट फेशियल क्लीनअप किया हुआ है और मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो दिख रहा है। मैंने कोई भी मेकअप अपने फेस पे नहीं लगाया है, लिप बाम था वो भी रिमूव हो गया फेशियल क्लीनअप करते करते। सो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस फेशियल क्लीनअप को कैसे करना है, सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इसे अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले, ये बिल्कुल फ्री है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल क्लीनअप। सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करने के लिए यूज कर रही हूँ वाव का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बीड्स हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब आप फेस वॉश करते हो तो थोड़ा थोड़ा आपके फेस पे पड़ते हैं ना ऐसे ऐसे, तो थोड़ा सा स्क्रबिंग का भी ये वर्क करते हैं। एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी क्लासी है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा लगता है, इतना सा काफ़ी है आपके फेस को वॉश करने के लिए। तो बस आपको आपके फेस को वॉश कर लेना है। सेकेंड स्टेप होता है स्क्रबिंग का, तो मैं यहाँ पर स्क्रब के लिए यूज कर रही हूँ वाव का एक्टिवेटेड चारकोल फेस स्क्रब। इस टाइम स्किन केयर में चारकोल काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंड में है और चारकोल हमारी स्किन को काफी अच्छे से डीपली क्लीन कर देता है। सो इसलिए काफी ज्यादा यूज हो रहा है इसका, तो ये काफी अच्छा है। इसकी प्राइस है 375। देखिए इतना सा काफी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे से स्क्रबिंग कर पाएँ। तो आपको 3 to 4 मिनट आपको स्क्रब करना है अच्छे से आपके फेस एंड नेक एंड यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको लगे कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ वहाँ, और जब लगे कि आपका स्क्रब थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐसे करके ऐड कर लें। मुझे तो यहीं पर प्रॉब्लम है ब्लैक हेड की, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो वीक में आपको 2 बार स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए, 2 बार से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बार। बस अब आपको वॉश कर लेना है अपना फेस। तो ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है और कितनी अच्छी तरह से क्लीन हुआ है, देखिए। तो थर्ड स्टेप मैं यहाँ पर यूज़ करूँ पील ऑफ मास्क, जिसकी हेल्प से हमारे जितने भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड है सब रिमूव हो जाएंगे और हमको क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग स्किन मिलेगी। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फेस पे स्टीमिंग लेनी पड़ेगी, मतलब भाप लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके लिए आपको गर्म पानी करना है, एक टॉवल की हेल्प से हल्का गुनगुना पानी अपने फेस पे डैप करना है ऐसे ऐसे करके। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने मेरे टॉवल में गर्म पानी लगा लिया है। इतना ज़्यादा आराम मिलता है कि आईज अपने आप ही क्लोज होने लगती हैं। स्टीमिंग से ये फ़ायदा होगा कि आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और पील मास्क अच्छे से वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाव का एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क और ये काफ़ी अच्छा, इसका मैंने काफ़ी अच्छा रिव्यू देखा था तो इसलिए मैंने मंगाया इसको। बाय द वे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे वाव की तरफ से सिर्फ चारकोल फेस वॉश आया था एंड एलोवेरा जेल और एक सावर जेल आया था, तो मुझे वाव की तरफ से यही आया था। और मैंने स्क्रब और ये पील मास्क मैंने खुद के पैसों से मंगाया हुआ है। आप चाहें तो आप ब्रश की हेल्प ले सकते हैं, मेरा तो फिंगर ही सही है, मैं अपनी फिंगर की हेल्प से लगा लूँगी। मेरे पूरे फेस पे काली खोद लिया है तो देखते हैं। वैसे इस पे लिखा हुआ है कि थोड़ा सा तो दर्द होगा, तो ठीक है देखते हैं कितना दर्द होता है। एक बार मैंने यूज़ किया था, कौन सा था, बॉम्बो का था, वो तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। सो मैंने कसम ही खा ली थी कि मैं अब नहीं यूज़ करने वाली, लेकिन इसका मैंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा, काफ़ी अच्छा रिव्यू देखा, तो मैंने सोचा भाई चलो एक बार तो रिस्क ले ही लेते हैं। ब्लैक हेड्स हो गए थे मेरे यहाँ पर तो मैंने कहा चलो देखते हैं। सो यस, लेकिन याद रखें कि इसे लगाने से पहले एक बार फेस टेस्ट जरूर कर लें यहाँ। तो मैंने फेस टेस्ट किया हुआ है यहाँ पर अपने लेके, इसने मुझे थोड़ा सा भी इरिटेट नहीं किया, सो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे लगाने से पहले फेस टेस्ट जरूर कर लें। तो ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है,
यार ये बड़ी आसानी से निकल जा रहा है, देखो। यहाँ का नहीं सूखा था ठीक से। ये देखिए बीच बीच में आपको व्हाइट हेड दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी, ये देखिए। तो एक बार ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मस्ट बाई मस्ट बाई। देखिए आपको छोटे छोटे हेयर्स भी दिख रहे हैं इसमें। तो इसे निकालने के बाद थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है स्किन पे। अब मैं इसको धुल के आती हूँ। मैंने मेरे फेस को वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इसे वॉश करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें। जब आप कोई भी पील मास्क यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मेक श्योर करें कि मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें कोई अच्छा वाला। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाव का एलोवेरा जेल। ये थोड़ा सा मेरी स्किन को कूलिंग इफेक्ट भी देगा, इससे मेरी स्किन थोड़ा सा ठंडा भी फील करेगी। काफ़ी अच्छा है वाव का। ये देखिए थोड़ा सा लेके लगा लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। सी यू सून।